हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग पता नहीं कहीं तो ऐसे ही रोक लिए रैंडम स्पॉट पे, और एक लॉक के पास हम लोग साइड में वॉक कर रहे हैं। बहुत ठंडी लग रही है और बारिश लाइक ड्रिजल हो रहे हैं, इस तो नज़ारे हम लोगों ने विंड शीटर पहना हुआ है। इस नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। बहुत सारी बोट्स लगी हैं। हाँ, बोट्स भी तो बहुत सारा है। लास्ट टाइम स्कॉटलैंड आए थे आई थिंक ऑगस्ट में, तब ऐसा वेदर नहीं था, लाइक थोड़ा सनी था थोड़ा रेनी था। बट इस बार पूरी ट्रिप पे हम जहाँ भी गए हैं हमें हर टाइम सिर्फ बारिश मिली है। बारिश का भी अपना मज़ा है, लाइक व्यू ऑब्वियसली इन्हांस हो जाता है, बट थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है बारिश में। हाय, सो हम लोग अभी कर रहे हैं ग्लेनको चेयर लिफ्ट। आई एम नॉट श्योर आवाज़ कितनी आ रही है, बट आप लोग नीचे देख सकते हो हम वहाँ थे, और हम आई थिंक 2000 फीट ऊपर आ रहे हैं इन जस्ट अबाउट 12 मिनट्स। बहुत ठंडा है और कंटिन्यू बारिश हो रही है, गीले हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है, लाइक यहाँ से जस्ट वाटरफॉल दिख रहा है। और हम लोग वहाँ ऊपर कहीं जाने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो तो रही है, तो चेयर लिफ्ट में है, ठंड है। ये देखो वाटरफॉल एकदम नज़दीक से, और ये हम लोग ऐसे हवा में लटके हुए हैं। सो अब हम लोगों ने नीचे जाने की जर्नी स्टार्ट कर दी है। हम लोग ऊपर गए, वहाँ पे उन्होंने हमें उतारा, बट उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी और ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा था कि हम लोग आगे वॉक करके नहीं गए, हम लोग तुरंत ही वापस बैठ गए कि हम लोगों को नीचे जाना है। और आप लोग अभी देख सकते हो सामने की वहाँ पर हमारी कार पार्क कर ली है हम लोगों ने, और अभी नीचे जा रहे हैं। खाना खा रहे हैं लंच पुलाव, और हमारा व्यू पॉइंट है थ्री सिस्टर्स ऑफ ग्लेनको, और सामने से मस्त माउंटेन से फॉल्स गिर रहे हैं, लेकिन पूरा गीले हो गए थे हम लोग, तो पहले चेंज किए हैं गाड़ी में ही, और अभी एक जगह रोक के हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे अपने थर्ड स्टे ऑफ द ट्रिप के लिए। ये है थ्री
सिस्टर्स ऑफ ग्लेनको. बेसिकली तीन माउंटेन्स हैं जो कि बहुत पास पास हैं, तो उस व्यू पॉइंट का नाम ये है. और हमने यहाँ पे अभी छोटा सा ब्रेक लिया है और हम लोग लंच में पुलाव खा रहे हैं. एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा यहाँ पर पास है. उधर पार्किंग भी नहीं मिला हम लोगों को. और सामने आप देख सकते हो लाइक छोटे छोटे फॉल्स हैं जो कि माउंटेन के बीच में से निकल रहे हैं. ठंडा भी हो गया है आज बारिश के कारण. ये स्पॉट हमें काफ़ी सुंदर लग रहा था तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं आप लोगों को दिखाने के लिए. सो ये है एक लॉक और इसका नाम है लॉकनेस. ये आई थिंक सबसे बड़ा है स्कॉटलैंड में और लाइक ये बहुत ही ज़्यादा लंबा था. लाइक हम जितना ट्रैवल किए हैं वो तब तक चले ही जा रहा था. यूके का बेस्ट पार्ट है यहाँ की ग्रीनरी. मतलब हम लोग बहुत जगह ट्रैवल कर चुके हैं और जहाँ भी हम लोग जाते हैं इतना ग्रीनरी होता है, इतना हरियाली होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है. अब हम लोग एंटर कर चुके हैं हमारे थर्ड स्टे ऑफ द ट्रिप के लिए जो कि हमारा लास्ट स्टे है. और ये स्टे एक छोटे से विलेज में, बहुत ही क्यूट सा विलेज है जिसका नाम है क्रोमार्टी. और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बहुत ही सुंदर से घर हैं. रोड्स भी बहुत नैरो हैं. अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4 और आप लोग देख सकते हैं रोड पे कोई नहीं है. यहाँ पे कभी कोई टूरिस्ट लोकेशन पे आप चले जाओ ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट हैं. और ये जगह देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत कमा लिया है, अभी उसको पेंशन आती है. यहाँ पे मस्त एक प्रॉपर्टी लेके वो इंजॉय करने आ सकते हैं. काफ़ी चिल वाइब्स हैं इस जगह की. और ये है हमारा बेस्ट डे ऑफ द ट्रिप, सूटर कूप्स. आइए अंदर चलते हैं. सो बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जहाँ से हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया और पीछे तक पूरा उन्हीं लोगों का है. सामने जो आप लोग देख रहे हैं वो स्टे लाइक वो ओनर का ही घर है और सामने उन लोगों ने छोटे छोटे दो लॉज बना रखे हैं जो कि वो लोग लाइक ओब्वियसली फॉर एयरबीएनबी वो लोग देते हैं. हमारा स्टे है नेक्स्ट 2 डेज के लिए. कॉटेज बना हुआ है थोड़ी सी हाइट पे और जो इसके ओनर्स हैं वो जस्ट नीचे ही रहते हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ उनका घर. बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से. लाइक क्रोमार्टी करके एक विलेज है उसी में है ये. और सामने जो आपको दिख रहा है वो पूरा विलेज है और ये ओनर का घर है. काफ़ी सुंदर व्यू है और बहुत ठंडा भी है. ये बारबेक्यू है, सिटिंग चेयर्स हैं, यहाँ पे हॉट टब भी है. अब आइए अंदर लॉज के अंदर चलते हैं. ये बहुत ही क्यूट सी टी टेबल दी है, यहाँ पे बैठने का है. इधर पूरा जंगल है और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा है. एक पूरा क्रोमार्टी विलेज दिख रहा है. आइए अब अंदर चलते हैं. तब छोटी सी स्पेस का फुल यूटिलाइजेशन. एक प्रॉपर 1 BHK हाउस है. यहाँ पे स्टोव है, अवन है, यहाँ पे सिंक है, ये सब कुछ दिया है. केटल है, टोस्टर है, कॉफ़ी मशीन है, फ्रिज है, अंदर पूरे यूटेंसिल्स हैं. और ये बहुत ही क्यूट सी वॉशरूम है. मतलब हर चीज़ घर में प्रॉपर वुडन की बनी है. लाइक एवरीथिंग, डेकोरेटिव आइटम्स भी. यहाँ पे छोटी सी डाइनिंग टेबल है. सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ प्रोजेक्टर दिया है एंड यू कैन जस्ट पुल दिस डाउन और यू कैन एंजॉय एनीथिंग. और ये घर के ग्लास से व्यू है. यहाँ पे काउच है जो कि सोफ़ा कम बेड है.
एंड नाउ दिस इज द रूम. छोटी सी क्यूट सी विंडो दी है. एवरीथिंग इज मेड ऑफ वुड. काफ़ी कंफर्टेबल है ये बेड भी. छोटी सी चेयर है और ऊपर लिखा है कोजी कोजी. हम लोगों ने इस ट्रिप के सारे ही स्टे एयरबीएनबी से बुक करे हैं और हमारा एक्सपीरियंस दोनों ही स्टे के ओनर्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा है. दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग. सो अभी हम लोग जा रहे हैं कोऑप कुछ सामान लाने, बेसिकली शाम के डिनर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेज में इतने ऑप्शंस होते नहीं हैं. सो हम लोग लेने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड एंड पिज़्ज़ा. हाय एवरीवन. सो अभी हम लोग इनवर्नेस में हैं, हमारा जो दो दिन का स्टे है. तो आज लास्ट डे है बेसिकली, कल हम लोग चेकआउट करेंगे. और अभी हम क्रोमार्टी करके एक विलेज है उसमें रुके हैं और यहाँ से जंगल के थ्रू थोड़ी सी ट्रैक करके हम लोग शोर लाइन पे जा रहे हैं. सो देखते हैं कैसा व्यू है वहाँ से और थोड़ा बहुत कंट्री लाइफ इन्जॉय करेंगे. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं. सो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा कुछ घूमने का है नहीं इस विलेज में. एक शोर लाइन है और एक यहाँ का हाई स्ट्रीट है. और अभी हम लोग शोर लाइन जा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ जाने के दो रास्ते थे. एक आप मेन रोड के थ्रू भी जा सकते हैं और एक ये थोड़ी सी ट्रैकिंग करके है. और ये ठीक हमारे कॉटेज से पीछे वाला रास्ता है. सो हम लोग ये वाला रास्ता यूज़ कर रहे हैं थोड़े से फ़न के लिए और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का व्यू. सो हम लोगों ने शोर लाइन से वॉक करते हुए हम लोग क्रोमार्टी विलेज में इंटर किए और वहाँ पे वहाँ का हाई स्ट्रीट इन्जॉय किया. और वहाँ एक छोटा सा क्यूट सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेड एंड सूप इन्जॉय किया. और हम लोग वापस अपने लॉज की तरफ आ गए हैं और बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा है. यू कैन सी पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है सनलाइट का. बहुत ज़्यादा सुंदर था और हम लोगों ने अभी हॉट चॉकलेट इन्जॉय किए बाहर बैठ के. और इसी के साथ हमारा ये स्कॉटलैंड ट्रिप ख़त्म होता है. आई होप हम लोगों ने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से स्कॉटलैंड घुमाया है और आप लोगों ने इन्जॉय किया हो ये वीडियो का पूरा सीरीज़. और अभी हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप रहेगा वो है समवेयर इन यूरोप. और उसके लिए आप लोग देखते रहिए यू आर व्लॉग्स.